हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। क्लास 10 की फिजिक्स में आज मैं लाइट के अपने पांचवें लेक्चर में आपको जो बताने जा रहा हूं, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज यहां से लेकर के 12th और ऑनवर्ड्स काम आएगा। राइट, देखिए पहले हम साइन कन्वेंशन बताएं, उससे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे ये हमारा एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये? दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब लाइट कैसे जाएगी बेटा? लाइट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। और उसके बाद क्या होगा? दिस विल गो थ्रू द फोकस, जा रही है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये पहली लाइट। अब दूसरी लाइट हम फोकस से लेके जा रहे हैं, फोकस से गई, फोकस से जाने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे हो जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल। और जहां पर एक ये रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्लेक्टेड मिलेंगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये क्या है? इमेज ए डैश बी डैश, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे देख रहे हो ना, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। ठीक, अब देखिए व्हाट इज दिस, दिस पॉइंट इज योर पोल। तो अब साइन कन्वेंशन बताऊं, उससे पहले कुछ चीजें जरूरी हैं कि हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, आप जानते हैं कि लेंस से मिरर से कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ तो इमेज कहां बनने, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। तो अब इनको कहेंगे क्या? तो पहली बात, ए बी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कोई भी हो हम जो मेजरमेंट करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द पोल। तो यहां से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट तक जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि पी ए, पी से ए तक, ए बी ऑब्जेक्ट है ना, तो पी ए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इट इज डिनोटेड बाय यू, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज डिनोटेड बाय यू। राइट, फिर पी ए डैश, व्हाट इज पी ए डैश? स्टूडेंट्स पी ए डैश क्या है? ए डैश बी डैश इमेज है, लिखा है मैंने, तो पी डैश क्या हो गया? दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट इज डिनोटेड बाय वी। राइट, तीसरा ये फोकस है, तो हम पी एफ को क्या डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ, एंड दैट इज योर फोकल लेंथ। राइट, तो यू गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द यू वी एंड एफ। ठीक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर फ्यू पॉइंट्स फॉर साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, और मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन करके नोट करते जाइएगा। पहली चीज, साइन कन्वेंशन का मतलब जब हम ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी कुछ मेजरमेंट करेंगे उसको साइन क्या लेंगे? व्हाट साइन वी विल पुट देयर? विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस इज साइन कन्वेंशन, मतलब रूलिंग क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए। तो सबसे पहला रूल ये है कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो पहला पॉइंट है लाइट लेफ्ट से राइट जाती है। लाइट क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। हमेशा लाइट को लेफ्ट से राइट क्यों ले जाएंगे? तो जब लाइट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो लाइट आएगी कहां से? ऑब्जेक्ट से आएगी, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा। राइट, तो पहला पॉइंट हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट हमेशा। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस is measured
फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगी हमेशा, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, पोल से शुरू करेंगे। पोल से मेजर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे मेजर करना है तो जीरो यहां होगा हमारा स्केल का, उसके बाद इमेज या ऑब्जेक्ट या इधर जिधर भी करना होगा वी विल पुट इट देयर, राइट। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि लाइट रे के डायरेक्शन में, मतलब अगर लाइट यहां से इधर जा रही लेफ्ट टू राइट जाएगी हमेशा, तो इस पोल से लाइट के डायरेक्शन में अगर मेजर करना पड़ा तो दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट, लाइट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इसी का उल्टा, क्या डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इज नेगेटिव। लाइट रे के डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और लाइट रे के अपोजिट जो मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। खाली पॉइंट्स को समझिएगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा डायग्राम से। एंड लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स क्लियर, ऑल फाइव पॉइंट्स आर क्लियर। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहली बात लाइट को लेफ्ट से राइट मानेंगे, दूसरी चीज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल इज, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजरमेंट करना शुरू करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज पॉजिटिव, उसके बाद डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस कैसे होगी दैट विल बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। तो थोड़ा सा एक काम करिए, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके क्लास, नोट कर लिया आपने? अब देखिए ये मेरी स्केल है ये, और अगर पास से देखिए तो ये जीरो से शुरू हो रहा है। अब हमको मेजरमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, ये जीरो रखेंगे पोल पे, यस, यानी ये जीरो जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं दिखा रहा हूं ये, इसको पोल पे पुट करेंगे यहां, और उसके बाद इधर या उधर, या तो इधर रखेंगे या उधर रखेंगे। अब आप देखिए इस मिरर के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में बनी हुई है, तो दोनों का मेजरमेंट कैसा होगा, फोर्थ पॉइंट डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज नेगेटिव, मतलब यहां से हम इमेज को मेजर करेंगे तो 12 इंच और यहां से ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक का है ना, यहां से ऑब्जेक्ट तो 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर, और इमेज ये है ए डैश बी डैश तो यहां से यहां यानी 20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्या है, पी ए क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, इस रूल के हिसाब से इट विल बी नेगेटिव, दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब वी देखिए तो वी भी तो यहां से शुरू करेंगे और आएंगे लेफ्ट लाइट रे के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, यस। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में यू और वी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अब जरा फोकल लेंथ देखते हैं क्या है, तो यहां से चलेंगे, फोकस लेफ्ट साइड में है यानी यहां से चलेंगे और 12 सेंटीमीटर आ रहा है, और किधर है, लाइट रे के अपोजिट यानी इट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। कहने का मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इट इज पॉजिटिव, सॉरी इट इज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव,
और यू और वी फिर नेगेटिव है राइट। अच्छा मैं उसको मिटा दे रहा हूं। मान लीजिए कि रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे ना राइट। अब मान लीजिए काम करते हैं कि जैसे हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और यही कुछ ऐसा करके होता, इसी इमेज को मिला करके बता रहा हूं, देखिए कुछ ऐसा करके होता कि ऑब्जेक्ट, जैसे आपको याद होगा कि एक केस था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, तो क्या हो रहा, लाइट रे जा रही है तो ये वापस होके जाएगी कहां से, फोकस से जाएगी और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो दोनों कहीं मिलेंगे नहीं तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर दोनों जाकर के यहां मिल रही है, तो ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। तो जरा आप साइन कन्वेंशन देखिएगा क्या कहता है, पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट है ये, तो ये कहलाएगा यू, और पोल से मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वी। अब आप हमको बताइए कि विच वन विल बी पॉजिटिव एंड विच वन विल बी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी इसमें से नेगेटिव होगी। आप देखो यू लेफ्ट साइड लाइट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वी क्या होगा, यहां से इधर मेजर करेंगे ना, देखिए स्केल से दिखाता हूं, मैंने क्या किया जीरो यहां रखा और इमेज इधर चल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो यहां से राइट साइड मतलब लाइट की डायरेक्शन में, तो वी विल बी पॉजिटिव। कहने का मतलब यू वी एफ जो भी कुछ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, इस बात की जानकारी कहलाती है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के जितने भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें अगर आप प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तो आपका एक काम नहीं होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे मैंने कहा कि यू नेगेटिव हो गया वी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ इसकी क्या है, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो ये तो तय हो गया कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी हो गई, नेगेटिव। अब आप देखो जैसे मैंने ले लिया, ये लिया कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट ये है, लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहां से आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो, लेकिन इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहां से जाएगी, दिस विल पास थ्रू द फोकस ए बी राइट। अब दूसरा, दूसरी जाएगी दूसरी हम लेके जा रहे हैं लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी, तो दूसरी लाइट जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जा रहे हैं तो ये दोनों जहां मिल रहे हैं ए डैश बी डैश, तो ये तो ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज राइट। तो अब देखिए और पोल से मेजरमेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में, तो यू क्या हो गया, नेगेटिव, और ये बना आपका इमेज यानी ये हो गया वी, और वी क्या हो जाएगा इस साइड में राइट साइड में ना, लाइट के डायरेक्शन में, पोल से लाइट के डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वी हो गया पॉजिटिव। अच्छा फोकस क्या होगी, तो फोकस भी तो राइट साइड में है तो यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे तो एफ, और दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की नेगेटिव राइट। ये चीज समझ में आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। एक चीज और, जैसे मैंने कहा कि जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रख रहे हैं, लेफ्ट इस साइड में, तभी तो लाइट लेफ्ट से राइट जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी, और इमेज की डिस्टेंस अगर लेफ्ट में बनना है तो निगेटिव होगी, अगर इमेज मिरर के राइट साइड में बनना है तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, और दूसरी चीज ये भी समझ में आ गई कि जो आपका साइन कन्वेंशन है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, सब सिस्टमेटिक वे में करेंगे आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा,
डिस्टेंस मेजर करना। दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉप करिए वीडियो, शुरू से देखिए, फिर से स्टार्ट करिए और प्रॉपर में नोट्स बनाते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बाद अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, साइन कन्वेंशन हटा दे रहा हूं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखिए हम लोग मिरर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, कि हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, ये था, ये था, ये ऑब्जेक्ट था, लाइट लौटी थी और उसके बाद लाइट फोकस से गई तो लौट करके यहां आई, ये बन गया इमेज। तो अब देखो यहां से पोल से ये डिस्टेंस u, पोल से ये डिस्टेंस v और ये फोकस है, तो पोल से ये डिस्टेंस f, ठीक। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये फोकस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है, बता चुका हूं, इमेज की डिस्टेंस v होती है, बता चुका हूं, और फोकल लेंथ f होती है, फोकस की डिस्टेंस। कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज मिरर फॉर्मूला। अब वो है क्या, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस प्लस वन बाय f is equal to 1 by v plus 1 by u. यानी 1 upon focal length is equal to sum of 1 upon distance of image and 1 upon distance of object. Right? जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय इन तीनों में से आउट ऑफ दिस थ्री इफ देर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर गिवेन टू यू देन पुट टू here in this formula, you will evaluate the third one. Maybe you are having u and v, you will get f. Maybe you are having f and u, f and v, you will get u. कुछ भी, तीनों में से आपको अगर दो चीजें हैं तो तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। हां ध्यान रखिएगा कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और जिस जो अननोन क्वांटिटी होगी, मान लीजिए आपको v निकालना है, ये एक लेंस मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है और ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखा है, तो वी क्या होगा, तो ये भी साइन रखिएगा, ये भी साइन रखिएगा, लेकिन इसको साइन मत रखिएगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन के साथ हो आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, और इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं, राइट। और इसको हम लोग यूज करेंगे, इसका डेरिवेशन हम लोग क्लास ट्वेल्थ में देख, क्लास इलेवेंथ में देख, इलेवेंथ ट्वेल्थ में देखेंगे, राइट, या आगे देखा जाएगा। फिलहाल ये हमारा इस तरीके का इमेज है, कोई जरूरी नहीं है, यही जो कुछ मैं बता रहा हूं कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, सब साइन कन्वेंशन सेम रहेंगे, राइट। और मैं अब इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक चीज और देखिए, मान लीजिए हमने आपको बताया इसमें तो वी भी नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, हमने एक और रूल बताया था लास्ट वाला, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। मान लीजिए कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एच वन ले लें, ऑब्जेक्ट की लेंथ, आपको मालूम है ना कि इमेज छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, बिगर हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को एच वन ले लें और इमेज की लेंथ को हम ले लें यहां से लेकर के यहां तक H2, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली H1 क्या होगा, पॉजिटिव, और H2 क्या होगा, नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज नेगेटिव। यस, यही तो रूल था, फिफ्थ रूल। तो H1 ऑब्जेक्ट की लेंथ H1 पॉजिटिव होगी और इमेज की लेंथ H2 नेगेटिव होगी। यस, राइट।
अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, क्या लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये आ रहा है कि ये इमेज को कितना ऑब्जेक्ट की लेंथ के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, साइज बढ़ा दे रहा है या कम कर दे रहा है, ठीक है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो कैसे पता चलेगा, तो कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यस इट इज द लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जस्ट ए मिनट, अब अगर आपका वो डायग्राम फिर से बनाऊं मैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है H1, H2, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज H2 अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट H1, H1 है पॉजिटिव और H2 क्या है नेगेटिव, राइट, H2 अपॉन H1, ठीक। अब एक चीज देखिए आप भाई, हमारी इमेज नीचे बनी है ना तो नेगेटिव है, लेकिन अभी हमने एक केस दिखाया था जब फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज यहां बनी थी इस साइड में, तो इसका मतलब H1 अपॉन H2 दोनों पॉजिटिव, अगर राइट साइड में बन मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव होंगे ना, दोनों पॉजिटिव होंगे तो एम क्या जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर केस में ये बाद वाला हटा दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट की लेंथ पॉजिटिव इमेज की लेंथ नेगेटिव और रखा तो मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, तो इमेज कैसी होगी रियल होगी, अगर एम आपका नेगेटिव है, एम नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड, और बाय द वे ये इधर चला गया तो H1 भी पॉजिटिव H2 भी पॉजिटिव, तो M पॉजिटिव तो इमेज कैसा होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इसको आप स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और इरेक्ट, ये चीज समझ में आ गया, नोट करते चलेगा। और इसके बाद हम आपको एक और रिलेशन बता दे रहे हैं, इसी को हम एक दूसरे फॉर्म में कहते हैं, इसको आपने नोट कर लिया ना राइट, देखिए इसको हम दूसरे फॉर्म में कह रहे हैं, ये चीज तो नोट ही कर लिया है क्या, दैट इज माइनस H2/H1 और इससे हम V/U भी कहते हैं, V/U कैसे, ये है H1 ये H2 है ना, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है U और ये क्या है V, तो दिस यू कैन राइट H2/H1 इज इक्वल टू V/U, ठीक है, H2/H1 इज इक्वल टू V/U, और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, इसको कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं दैट इज माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से आप क्या कह सकते हो यार कि H2/H1 इज इक्वल टू माइनस V/U, ठीक, ये कर दिया या ये कर दिया या यहां से माइनस हटा दिया तो ये माइनस आ जाएगा यहां पे, ठीक है, तो H2/H1 इज इक्वल टू माइनस V/U एंड दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब कितना ये मैग्निफाई कर दे रहा है, और हम पहले बता चुके हैं कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड होगा, सॉरी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और अगर यही चीज हमारी पॉजिटिव आ गई, अभी लिखा है मैंने पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव की कंडीशन में
इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, राइट। तो आज का लेक्चर मेरा यहां पे कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अब लाइट की शुरुआत में अभी तक तो इमेज बना दिया, अब इमेज बनाने के बाद आपको निकालना पड़ेगा कि फोकल लेंथ, ये वो, मैग्निफिकेशन, तो ये सब साइन कन्वेंशन ध्यान देने पड़ेंगे, मैग्निफिकेशन ध्यान देना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, रिपीट करिएगा दो बार, ठीक है, कम से कम समझ में आ जा रहा तो जबरदस्ती तो रिपीट करना नहीं ना। जहां पे नहीं समझ में आ रहा बैक करिए, फिर से देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।